आपका नाम बताइए, आपने जीता उसका बताइए मैम। मेरा नाम है डॉक्टर उषा किरण, मैं साउथ इंडिया से हूँ, अभी दुबई में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं शो स्टॉपर हूँ ये शो का। किस तरह का इवेंट रहा आज, इतना बढ़िया लगा आपको यहाँ पर आकर? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर, मैं शो बिजनेस में तो है नहीं, तो इसके पहले मिसेस सुनीता भगत ने जो अरेंज किया था इन दुबई कॉस्मिक यूनिवर्स, उसमें पार्टिसिपेट किया था मैंने और आई वॉज द प्लैटिनम विनर ऑफ दैट एंड आई ऑल्सो हैड द टाइटल ऑफ वुमन ऑफ प्राइड। सो अभी इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है, मुंबई में आके, अपने मुंबई में, अमशी मुंबई, सो इट्स वेरी नाइस टू बी हियर। सो मेरा जर्नी तो बहुत शॉर्ट है, एंड आई सेड कि अभी मैं 57 ईयर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई जर्नी इज आई बीन अ डॉक्टर ऑल माई लाइफ, आई एम 57 ईयर्स, ओके। तो 57 ईयर्स में मैंने पहले बार सोचा कि चलो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो और अभी एक महीने पहले मैंने, मैं बहुत ट्रैकिंग वगैरह करती हूँ, एक महीने पहले मैंने 8000 मीटर की नेपाल में माउंटेन चढ़ाए, तो आई एम द ओल्डेस्ट इंडियन फीमेल टू हैव एक्चुअली क्लाइंब दैट माउंटेन। सो मेरा यही बोलना है कि उम्र से कोई लेना देना नहीं फिटनेस या ब्यूटी का, इट्स अ नंबर, इट्स ऑल इन योर माइंड। सो ऑल द वीमेन आई वॉन्ट टू से, डोंट लेट एज डिफाइन यू और लिमिट यू। आपकी मन की इच्छा पूरा करने के लिए एज एक इनहिबिटिंग फैक्टर है ही नहीं। हेलो, आई एम डॉक्टर प्रगति। हेलो, आई एम डॉक्टर प्रगति, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, दुबई में काम कर रही हूँ। उससे पहले मैंने इंडिया में 15 साल काम किया है। मैं बिलीव करती हूँ कि कुछ भी करने के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो हमारे को स्टॉप करता है दैट इज़ इधर वी आर इन पास्ट और इन फ्यूचर, द पावर ऑफ नाउ। अगर हम आज भी विश्वास करें, कल का और पीछे का ना सोचें, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। खुल के जियो और आज में जियो। इस एसोसिएशन में सुनीता भगत से लास्ट दुबई से हुई हूँ और हमेशा इनके कंटेस्टेंट्स बहुत ही अच्छे रहते हैं और इस बार तो स्पेशली मलेशिया से भी आए हैं, दुबई से भी आए हैं। ये एक इंटरनेशनल पेजेंट हो गया है और इसका इतना नाम है कि इनके नाम से ही पार्टिसिपेंट्स इधर आते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है और हमको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। एज ए जूरी मेम्बर वी रियली एन्जॉय द कंटेस्टेंट्स राउंड एंड द कंटेस्टेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी ग्रेट, वंडरफुल, बिकॉज आई सॉ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, दे आर सो एनर्जेटिक, इवन इफ द एज इज लेस वर्क बट बाई ब्रेन एंड बाई एनर्जी दे आर सो अपग्रोइंग, दे आर ब्यूटिफुल एंड हेल्पिंग द सोसाइटी अ लॉट एंड मेकिंग द प्लेस अ बेटर एंड लाइवली एंड हैप्पीली टू लिव इन। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ इज डॉक्टर ज्योति बोरसे फ्रॉम पुणे। आई एम कंसल्टेंट एनास्थेटिस्ट एंड इंटेंसिविस्ट एंड आई वॉज द विनर ऑफ मिसेस दीवा 2023, देन आई वॉज मिसेस पुणे फर्स्ट रनर अप एंड आई एम ब्रांड एम्बेसिडर ऑफ एरोमा प्रोडक्शन फ्रॉम पुणे एंड आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, आई एम वेरी हैप्पीली पार्टिसिपेटेड इन पोशाक रनवे फ्रॉम कल्याण एंड I was the Mrs. Fitness in IMODA. Thank you so much. Yes, उनका जो इवेंट जो देख रहे हैं आज हम, इनका लेवल ही अलग है। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स को जितना ईज किया जा रहा है, जितने कंफर्ट में रखा जा रहा है और उनको जो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँचाने की जो प्रैक्टिस की जा रही है, जो शुरुआत की जा रही है, वो बिल्कुल ट्रेमेंडस है। बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और डेफिनेटली ये जो इवेंट होता है वो किसी भी मेल फीमेल पार्टिसिपेंट के लिए उसको एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले जाने के लिए होता है। तो जो सुनीता मैम प्रोग्राम कर रही है, जो इवेंट कर रही है, वो ये काम कर रही है और करेगी कि जो भी यहाँ पे आए हैं डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सीख के जा रहे हैं, वो ग्रूम होके जाने वाले हैं यहाँ से और अपने आप को एक अलग आयाम पे देखेंगे वो कुछ समय में। तो सुनीता मैम जो कर रही हैं ये इवेंट जो आज हम देख रहे हैं, जहाँ का हम हिस्सा बने हैं, बहुत ही ग्रैंड है और इसका जो स्तर है और बढ़ता जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल तो होने की, इंटरनेशनल होना देखिए एक लेवल होता है, लेकिन जो लोग होते हैं वो कितने
प्रेम से आते हैं, जो उनका नेचर कैसा है, वो कितना एंजॉय करते हैं, वो मैटर करता है। तो मुझे लगता है सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं सबके चेहरे पे दिख रही है कि वो खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं शो को शुरू से लेके अभी तक। तो ये बहुत डॉक्टर मामता चेड़ा हूँ मैं, इनको स्किन और हेयर मैन है, इनको ग्रूमिंग भी कर रही हूँ। तो पार्टिसिपेंट इतने एंथुसियास्टिक है और वो लोग नई चीज़ सीखने के लिए बहुत तैयार और सीख भी जाते हैं, और ये क्वालिटीज इनकी बहुत अच्छी लगती हमें कि वो लोग तुरंत अडेप्ट कर लेते हैं न्यू चीज़ सीखने में, और वो लोग बहुत डिसिप्लिन्ड है और टाइम पे आते हैं। तो ये बहुत हमें अच्छा लगता है। जो भी यहाँ पे आए हैं, जो भी लोग हैं यहाँ पे, वो ज़रूर कुछ ना कुछ परिवर्तन के लिए और कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो वो अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने आप में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर हियर। तो ये बहुत बेस्ट क्वालिटी होती है, क्योंकि यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात होती है, जितना नहीं जितना तो एक बात की बात है, लेकिन जो यहाँ पे आके स्टेज में खड़े होता है, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो आपको कहीं कहीं भी ले जा के खड़ा कर सकते हैं, और आप फिर वो आपके जो थोड़ा स्टेज फियर का होता है वो आपके अंदर से जाता है। तो आपने जैसे देखा सब पार्टिसिपेंट्स बोल रहे थे कि अभी ये स्टेज पे जब वो बात करने लगते हैं तो वो कहीं पे भी बात कर सकते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस ये स्टेज लेके आता है उनके लिए। एंड आई वांट टू से इन दिस देर आर मिस एंड मिसेस, सो मेनी मिसेस दे आर शोइंग देयर टैलेंट्स इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस, सो दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम आवर दिस प्लेटफॉर्म, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सुनीता भगत मैम हु इज गिविंग अ वंडरफुल confident platform to all these miss and misses. So I know these beautiful, whatever the participants are there, male or female, they will grow and they will help the society. Thank you so much. Miss or Mrs. ka center camera lo, ye miss aur miss tum batao, aaj ye miss aur misses ka jo event hua hai, aaj ye experience mila hai ki मिसेज जो है वो हाउस वाइफ है, और हाउस वाइफ को घर में से बाहर निकलना बहुत मुश्किल बात है, और मिस कंटेस्टेंट जो है मिस भी कॉलेज करती है, जॉब करती है, तो उनको भी वहाँ से यहाँ तक लाना बहुत मुश्किल का काम है, तो उनसे बात करना, उनसे कनेक्टिविटी करके उनको यहाँ तक लेकर आना, ये बहुत बड़ी बात है जो आज सुनीता मैम ने किया है। तो एक्सपीरियंस ये रहा कि अगर महिलाओं को कुछ तो भी चाहिए, कि कोई तो एक ऐसा स्तर चाहिए कि उनको वो लेवल पर कोई तो लेकर जाए, और उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो कुछ तो कर सके लेडीज़। तो आज वो अच्छा लगा कि एक महिला को एक लेडीज़ ही लेकर आती है, आजकल लेडीज़ लेडीज़ को खींचती है, तो लेकिन ये मैम ऐसा कर रही है कि जो लेडीज़ आगे बढ़ना चाहती है उसको और आगे लेकर जाओ। आज मैंने देखा है कि बहुत बार मैं पल्लवी फ्रॉम पुणे, और मैंने आज देखा है कि यहाँ पर सब ज़्यादा फीमेल है, वो डॉक्टर है, डॉक्टर ने पार्टिसिपेट किया है, तो मुझे आज इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि नए नए लोग आते हैं, फीमेल मेल सब आते हैं, लेकिन डॉक्टर जैसे लोग आ रहे हैं इस फिल्म में, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू डॉक्टर ममता चेड़ा। I am with Dr. Mrs. Sunita Bhagat since last two seasons. First season I did it in Dubai. I was a grooming director in skin and hair. And this time my friend is also there, Dr. Harshada. She is MD Ayurveda and she is also a jury member. Dr. Harshada, how did you like the? I'm feeling very great to attend this show. It's a very good platform for newcomers to gain the confidence as well as to spread more awareness about health and fitness in the society. And of course, they are doing some good social works also along with it. Not only it is related with the beauty and some glamour world, but they are doing very, like many contestants, they are into many NGOs and doing so many good social works. So I feel it is a great platform to spread more awareness in people with the help of glamour. Thank you so much. मेरा नाम है अंतरा पॉल, मैं नॉर्थ ईस्ट असम से आई हूँ, और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं अपने जो स्टेट है मेरा असम, मैं उसको रिप्रेजेंट करके उसका सेकेंड रनर अप बनी हूँ, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। कहाँ चाहेंगे आज के फिल्म के बारे में आप? मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म था एक वुमेन को एनहेंस करने का, ब्यूटी
इनर और आउटर। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म में आई हूँ, ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म में आई हूँ। मुझे एक मौका मिला और मैं रनर अप बनी हूँ, क्लासिकल रनर अप, मुझे क्राउन मिला है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। थैंक यू सो मच। मैं मुंबई से हूँ, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके, वो दो दिन का था तो फर्स्ट डे भी मैंने अच्छा इन्जॉय किया और आज भी इन्जॉय किया। एक्चुअली जीतना नहीं था मुझे, बस जो चीज़ के लिए मैं खड़ा हुआ स्टेज पे वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और थैंक यू लीजा मैम के लिए कि लीजा मैम की वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा रहा, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। देखने में लगता है कि सब कुछ ईजी होता है, पर चार लोगों में नहीं, दस लोगों में भी नहीं, आप दो लोगों में भी बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ये चीज़ सीखने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। थैंक यू सो मच, और आपके लिए, आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं सबके लिए। नमस्ते, माय नेम इज़ वशीला बालकृष्णन एंड आई एम फ्रॉम मलेशिया। आई लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एस्पेशली टू माई डियरेस्ट फैमिली, माई हस्बैंड, बोथ माई किड्स शानिका एंड शोनिका, माई फादर, एंड स्पेशल थैंक्स टू सनमा विशामिनी, टू इंटरनेशनल ग्लैम आइकॉन मैडम सुनीता। Thank you so much. I wish my mom was here today to witness this beautiful day in this beautiful country, India. Thank you so much. Terima kasih. I'm Magdalene Anthony and I'm 18 years old. I'm a diploma student studying for culinary arts and I'm from Malaysia. And then it's really unexpected for me. First of all, I need to thank my parents. They are over here. I'm really proud to be at here. And the most important, Miss Shamini, she's the one who trained me and brought to me until here. I'm really grateful, thankful to all of them who support me.